ज दैट यू मेट यूर कस्टमर अगर वो प्रोमिस हम नहीं लिव कर रहे हैं तो पक्का पक्का धंधा खराब हो जाएगा गुड टाइम दैट यू हैव सॉरी तो दीज एस एल एस कुड बी अ गुड स्टार्ट पॉइंट फॉर यू टू डू अगमा प्रोजेक्ट ठीक आई एम अज्यूमिंग दैट समहा आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक सिक्सिग्मा प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया आई डोंट नो वॉट मैकेजम यू फुट इन प्लेस कि आपने डिसाइड किया ये सिक्सिगमा होगा ये लीन होगा ये काइजन होगा मैं अभी दोनों क्वेश्चन को जंप कर रहा हूँ आई एम सिंपली गेटिंग टू अशन दैट यू डिसाइड इड कि आपको सिक्सिगमा का ही प्रोजेक्ट करना है सो अगमा प्रोजेक्ट हैज बिन इज इनिशिएटेड बाई यू स्टेप वन इज दैट यू सेट अबाउट टू आइडेंटिफाई दॉब्लम और द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी टाइम्स इट इज वेरी वेरी सिंपल बिकॉज ये आपको चूज नहीं करना होता है आपको थोप दिया जाता है आपका चॉइस नहीं है तू कर ले uh, प्रोजेक्ट कर देर आर अदर टाइम बाय द क्लाइंट तो सब तो लाइफ बहुत आसान है अदरवाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Once you've identified your uh, project, the other work, the next work is to identify the stakeholders involved involved in your project. Which theme the project be? Quality ka project karna hai, C-SAT ka project karna hai, Handling time ka project karna hai. Konsa project mein initiate Handling time. Handling time. Online folks, any idea? H T sir. H T. H T sir. PhD. Oh God. Okay. The a simple project. Okay. If you say so. So let's say for some business, I've started thinking on the times uh, on the lines of improvement of handling time your cycle time. Right? Handling time kisi business ka so jada hai. a aise condition mein stakeholders kahan honge? Obviously. एक स्टेक होल्डर इज द एंड क्लाइंट द एंड यूजर ऑल्सो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ तो मैं, मुझे धंधा आउटसोर्स किया है अविवा इंश्योरेंस ने लेकिन अविवा इंश्योरेंस का कोई एंड यूजर है कॉल तो मुझे वही कर रहा है तो हैंडलिंग टाइम से असली परेशानी तो मुझे एंड यूजर को ही हो रही है ऑब्वियसली आई गेट पेड सो माई ऑप्स लीडर Is an important stakeholder. Operations' ke or koi managers or managers. These could be my stakeholders. Everyone with me so far? Yes, sir. Step three: In stakeholders' say, we have to gather voice. तो इधर यू डू इन पर्सन इंटरव्यूज मीटिंग सीख करोगे उनसे मिलोगे बोलोगे हैंडलिंग टाइम प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आया है वी वुड वॉन्ट टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन दैट वॉइस लिया कन्वर्ट टू सी टी क्यू किया और अब प्रोजेक्ट चार्टर बनाने प्लीज तो 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 बिल्कुल लेकिन सीटी क्यू हैजू बी एट द द एंड ऑफ डे हेल्पिंग मी इम्प्रूव हैंडलिंग टाइम हो सकता है हमने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया था हैंडलिंग टाइम लेकिन यहां से जो सीटी क्यू निकल के आया है वो है प्रोसेस नॉलेज आइडिया क्या था एंड गोल क्या खेल रहे थे तुम बोले हैंडलिंग टाइम सुधारना है और तुमको ये समझ में आया थ्रू कॉन्वर्सेश सारा भसड़ का कारण क्या है साइकिल टाइम की वो आई है लोगों को काम ही नहीं आता सर तो तुमने कहा कि नथिंग डूइंग मैं प्रोसेस नॉलेज पे प्रोजेक्ट करूंगा सो दिस इज द लार्जर आइडिया दैट यू हैड इन माइंड दैट इज वाई प्रोजेक्ट हैज बीन इनिशिएटेड बट दिटी क्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बी वेरी डिफरेंट बट एंड एंड गेम को ध्यान में रखना पड़ेगा

बहुत सारा डेटा है सेकंड का बहुत सारा डेटा है सो आई हैव लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स क्वेश्चन दैट यू शुड ऑलवेज पॉन्डर अबाउट इज वेदर हैंडलिंग टाइम पर डे पर वीक पर मंथ आपका प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट वाई का मेट्रिक क्या है क्वेश्चन क्लियर है मेरा एवरीवन online folks yeah yes you understand what i'm saying yes if i were to look at using this information that you see on the excel sheet i'm necessarily saying that mere passed her call data so this is handling time per call per transaction कॉलम नंबर सी सिक्स जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो पहला चीज आंख बंद करो और अपने प्रोजेक्ट का जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट वाई है उसका ग्राफिकल समरी बना लो आई गो टू I आई गो टू बेसिक I आई गो टू ग्राफिकल समरी डबल on ऑन हैंडलिंग टाइम वोके किसका निकला ये ग्राफिकल समरी किसका निकल रहा है पर कॉल का एस पर कॉल अगर आपको एच पर डे करना है विच इज एडवाइजेबल तो मुझे पिविट लगा करके नया डेटा क्रिएट करना चाहिए मुझे पिविट लगा करके एक नया डेटा क्रिएट करना चाहिए And link time. Right? This is sum. Should I take average? Should I take some? Should I take both? What is your advice? Average. Okay. old school. तो मैं तो सारा कुछ निकालूंगा ये आपने निकाला एवरेज इसी इसका मिनिमम भी निकालूंगा मैं मैक्सिमम भी निकालूंगा डेटा लिटिल बेटर और मैक्सिम मीन उस पर्टिकुलर हाँ. डेट the... को हाइएस्टैंडिंग टाइम कितना था लोएम था Got it. आउट nice. uh, right uh, तो कर रहे हैं तो हाँ, अगर जो डाटा पड़ा है उसमें दस एंट्री हमारी पड़ी है नवंबर की बारह एंट्री पड़ी है या पंद्रह एंट्री पड़ी है दिसंबर की कुछ पड़ी है जनवरी की तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए क्या डेट वगैरह चेंज कर लेनी चाहिए या मतलब बिकॉज़ डेटा पॉइंट तो कंटीन्यूअसली होंगे अगर अगर डेटा पॉइंट अगर हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे यहाँ तो रेगुलर दिख रहा है तो मैं तो इस्तेमाल कर लूंगा नहीं तो मैं नहीं करता तो okay. नहीं तो मैं नहीं करता तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कैसिएशन है आपका बिकॉज़ एक डेटा पॉइंट हम कर रहे थे उसके अंदर तो हमको डेट का बड़ा दिक्कत आई थी लास्ट क्लास के अंदर तो उसमें दिसंबर का था और फरवरी का था जनवरी का डाटा अगर अगर डमी डेटा है तो डेटा ठीक कर ले अगर लाइव डेटा okay. है तो डिलीट कर दे डेटा फिर से ढूंढ ले करेक्ट 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 ये तो डमी डेटा हां सजेशन समझ गया तो आई एम नाउ डूइंग स्टैट्स बेसिक स्टैट्स ग्राफिकल समरी डेली हैंडलिंग टाइम का Graphical summary bana liya. I will use this as my project I will paste it on my presentation. Sorry, my mouse is acting a little funny. I will always start with a Anderson Darling normality test car. Structure say my P value is greater than zero point zero five, correct? So daily HT P value is greater than 0 0.05 hence we conclude uh, hence we conclude data is normal data normal here to mean will be uh, um, because data is normally distributed hence mean is going to be my measure of central tendency फेयर स्टेटमेंट टू मेक करेक्ट एवरी वन मेरे पास एन कितना है टू नाइनटी से टू हंड्रेड एंड नाइंटी सेवन डेज नीचे वाले को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो मिनिमम मैक्सिमम जो दिख रहा है Minimum handling time is at 1027 with what I one at Evalajapura portion is coming explain Kartunga through my uh, through English so that I'm able to एक्सप्रेस ये सेल्स का प्रोसेस है सेल्स का प्रोसेस है तो हैंडलिंग टाइम ज्यादा होना अच्छा बात है द मोर टाइम यू हैव कॉन्वर्सेशन विथ योर कस्टमर द मोर लाइकली यू आर टू क्लोज द सेल नहीं हमेशा ऐसा नहीं हो, हो सकता है किसी कोई कस्टमर ऐसा होगा जो एक ही मिनट में तुम क्लोज कर लोगे अदरवाइज द मोर यू कन्वर्स दस्टमर द लाइकली यू आर इज दैट यूल टू क्लोज द सेल

बेसिकली सर यहाँ पे जैसे अगर हम ए एस टी रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं बट अगर आप बता रहे हैं कि ये सेल्स का डाटा है एंड सेल्स के ए एस टी हाई रहेगा देन वी विल बी इन प्रॉफिटेबल स्टेज यानी कि लीड बनने के ज्यादा चांसेस है बट अगर ये इनबाउंड पे करें बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज डन ऑन इनबाउंड सेल्स के अंदर अगर ए एस टी हाई है तो उस पर कभी प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं because... भाई भाई थोड़ा जनरलाइज कम किया कर मेजोरिटी प्रोजेक्ट इनबाउंड पे होता है ऐसा कुछ नहीं होता है धंधे का, का जो डिमांड होगा वो करना पड़ेगा और ये भी इनबाउंड सेल्स ही है ओके okay. अब ये क्लाइंट है मेरे गुड़गांव बेस्ड उनका है ये प्रोसेस। भी व्हाटएवर अगर इसी को हमको रिड्यूस करने का प्रोजेक्ट बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओके तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे

मैं हमेशा जब कभी भी प्रोजेक्ट करता हूं एम ऑफ दू दैट यू नो मैं डेटा का पैटर्न जरूर स्टडी करना चाहता हूँ आई विल ऑलवेज भी इंटरेस्टेड इन डूइंग सम टाइम सीरीज स्टडी कि डेटा क्या ट्रेजिक्ट्री फॉलो कर रहा है आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ समस्टिंग दैट आई विल वॉन्ट टू डू जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं फॉर फॉर पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बस ये वैल्यू देखिए, ये जो तीनों वैल्यू आ रही है मीन एप्सोलूट परसेंटेज एरर मीन एपसोलूट डिविएशन, एम एस टी ये सब एरर वैल्यूज हैं। तो जिस मॉडल में कर सकते क्या? जिस जिस भी ग्राफ में आपको आई एम श्योर कर सकते हैं तो जिस भी ग्राफ में आपको आ, ये एरर वैल्यू कम आएगा वही प्रिडिक्शन मॉडल आप फॉलो करोगे मेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू हियर ये कह रहा है इस मॉडल में कितना वेरिएबिलिटी है 1.46 का हम्म

S -curve, नहीं फिट हो रहा तो so, मैं ग्रोथ कर्व को इस्तेमाल करके अगले पंद्रह दिन का फोरकास्ट निकालना चाहता हूं वाई आई एम इंटरेस्टेड लॉट टाइम यू सी दैट यू विल एनकाउंटर अ प्रॉब्लम दैट तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वाई है वो अपवर्ड प्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है या डाउनवर्ड प्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है क्वालिटी स्कोर का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और क्वालिटी में ऑलरेडी एक ट्रेजेक्ट्री है कि धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाएगा तो प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे कुछ मत कर अपने आप सुधर जाएगा आई टेल यू माई ओन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट आई वेंट थ्रू एक कस्टमर ने हमको कॉन्ट्रैक्ट करा उनका कॉल वॉल्यूम बढ़ रहा था लगातार दे कॉन्ट्रैक्टेड अस हियर विद एन एक्सपेक्टेशन की प्लीज रिड्यूस आवर कॉल वॉल्यूम यहां पर से 20 परसेंट डिडक्शन इज वॉट वी हैसेशन कॉन्वर्सेशन में ही दो तीन महीने में कॉल वॉल्यूम और बढ़ गया ये जो 20% परसेंट था एक्चुअल में तो ये 40% परसेंट जैसा दिखने लगा विथ मी एवरी ऑन हॉट समझ में आ रहा है yes. Yes, yes, yes. Yes. So, इस फोटोग्राफ से आपको क्या दिख रहा है नंबर्स हियर If you look at numbers here, आपका टेन पॉइंट एटंट एट सेवन मतलब मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है ना, ना घटेगा ना बढ़ेगा सो इंटरवेंशन में ठीक है ये भी फोटो चिपका दो और ये वाला पोर्सन हाईलाइट करके दिखा दो दैट इट इज इधर इट इज मोटा मोटा फॉलोइंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन ठीक है एवरी वन विथ मी टूगेदर ऑन दिस थोड़ा सा जब कंट्रोल चार्ट पढ़िएगा तो एक आध दो चीजें और पढ़िएगा आई विल आल्सो वांट टू सी इस इस डेटा का इस डेटा का ये मेरा प्रोसेस कंट्रोल में है या प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है हाउ मे ऑफ यू अंडरस्टैंड कंट्रोल चार्ट्स कंट्रोल चार्ट समझ में आता है yes, sir. थोड़ा बहुत समझ सर कंट्रोल चार्ट ओके, सो आई एम यूजिंग दिस डेटा सेट मैं एक बार इसको इसको ना छेड़ूं इसलिए मैं इसको कहीं और लेके चला जाता हूं अरे यार ये यह सिर्फ यही नहीं चलता है ना बाकी डेटा तो है हमारे पास बाट रफली रफली मोटाटा अगर मैं देखूं तो माई डेटा सीन्स टू बी इन कंट्रोल एवरी वन फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड कंट्रोल चार्ट एक भी डेटा पॉइंट मेरा क्रॉस नहीं हुआ आई गो टू गो टू द स्पेशल टेस्ट ऑल्सो मैं स्पेशल टेस्ट इंट्रोड्यूस करके भी देख लेता हूँ

फोरकास्टिंग कर लिया और मैंने प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं है कोई स्पेशल बिहेवियर डेटा एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैंने दो तरह के कंट्रोल चार्ट बनाए एक कंट्रोल चार्ट मैंने बनाया वॉज कंट्रोल चार्ट विदाउट विदाउट एनी मंथ हियर एंड अनदर आई है जिसमें मैंने वाइज स्टेजेस लगा के भी देख लिया मेरा कहीं भी स्पेशल कॉन्विशन नहीं आ रहा था दिख रहा ये ये मार्च का है ये अप्रैल का है ये मई का है जून का है सो so जून के डेटा में देर नो रेड लाइन हियर तो माय हैंडलिंग टाइम वाज प्रिटी नॉर्मल सर वन हैव वन क्वेश्चन प्लीज इन दिस कंट्रोल चार्ट आई कैन सी एंड यूसी

decide mean plus minus three standard deviation logic customer target तो control chart में जो आप यूसीएलसी हो इसको customer hmm. से कोई लेना देना नहीं है तो हम बेसिकली यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि हमारा अपर कंट्रोल लिमिट कहाँ तक गया लोअर कितना गया है Low

आपने सिर्ल बनाया और थोड़ा सा फॉरकास्टिंग कर लिया नथिंग एल्स नाउ दैट आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन आई हैव दॉइस फ्रॉम माई स्टेक होल्डर्स आई विल सेट अबाउट टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग माई हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट इसको इनबाउंडी बना दो ना Yes, sir. Yes, sir. At XYZ, we provide customer service, customer service to ABC insurance. We have uh, not been able to we have not been able to meet our daily hd targets of eight, of 8 minutes of 8 minutes for for a long time now

बहुत सारा और इम्पैक्ट हो सर मैं हमेशा एडवाइज करूंगा कि जब आप शिक्षक में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बहुत फोकस करो अपना कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करने में बिकॉज़ अप्रूवल जो दे रहा है अगर उसको अपना वाला कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखा तो वो तुमको जज करेगा और बोलेगा तुमको समझ में नहीं आता है और लीडर्स को ये खास करके बहुत बुरी आदत होती है तो मॉनेटरी रिलेटेड सर मॉनेटरी तो आएंगे ही उसके बिना तो मैं कुछ नहीं करूंगा एसेट राइजेटरा ठीक ठीक सर टेलीकॉम देखते हैं अब ये जो है, uh, unanswered calls, ये जो जो है है वजह से तुमको overtime देना पड़ रहा होगा, बच्चे बिठा रहे रहे हो, overtime cost दे रहे हो, दे का satisfaction खराब हो रहा है Because मेरा आठ घंटे का है रोज मुझसे बारह घंटे काम करा रहे मुझे सैटरडे संडे भी तुम फोर्सफुली बुला रहे हो ऑल ऑफ कॉस्ट Having looked at having looked at data for past two hundred ninety seven days, past two ninety seven days, we see that against. गेंस्ट टारगेट ऑफ एट मिनिट्स आवर डी एच टीज एटाइट तो ये डेज का डेटा है ना mm -hmm. तो मैंने क्या किया एक मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है एक मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है डेटा नंबर ऑफ कॉल्स का दिस इज ह्यूज दिस इज अबाउट फोर्टी थाउजेंड डेटा पॉइंट उसको मैंने डेज वाइज कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास टेन से लेके इलेवन तक इसी का इंग्लिश या मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का इंग्लिश मैं यहां ये तो वेरिएशन बहुत कम है यार इज वेरी इज वेरी फनी 1027, 1074, 1086, 1099, 1143, तो यहां मैं अपना मीन जो वहां लिखा हुआ था ग्राफिकल में यहां कॉपी पेस्ट कर दीजिए मुझे समझाओ हैंडलिंग टाइम ज्यादा होने से क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल पैसा बताओ प्रोडक्टिविटी लॉस ओके फाइनेंशियल सर प्रोडक्टिविटी लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल एफटी ज्यादा लेंगे आपको नीड टू हायर मोर एजेंट्स व्हिच विल बी एडिशनल कॉस्ट एंड डिलेड टाइम जो ऑक्स टाइम बढ़ता है बिकॉज ऑफ दैट यू नो कस्टमर डिसेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट करता है एजेंट्स agents... मेरा आप सब लोगों को एडवाइस रहेगा कि जब कभी भी हैंडलिंग हैंडलिंग टाइम जैसा प्रोजेक्ट करिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपका बिलिंग मॉडल क्या है एफटी पर कॉल कहीं एफटी बेस्ड है तो हैंडलिंग टाइम ज्यादा है तो होता रहे सानू की उनको पैसा किस चीज का मिल रहा है दिहाड़ी का सौ बच्चे लगाओगे सौ बच्चे अगर अपना लॉगइन आवर पूरा करेंगे तो पैसे मिलेंगे एफटी बेस्ड बिलिंग प्रोसेस में हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट अगर किसी सलीके के लीडर के साथ किया तो टर्मिनेट हो जाओगे बट सर अगर क्लाइंट की तरफ से अगर आपका क्लाइंट सर आपका क्लाइंट डब्लू एन एस है आप, yes. आपका क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं है अगर आगे. आप लीडरशिप रोल में हैं और आप ये कर रहे हैं कि हम अपनी मुसीबत बढ़ाना चाहते हैं प्लीज डू इट एट योर ओन विल तो चाहूंगा कि तुम मुझे पुश करो मैं तुमसे ज्यादा पैसे लूंगा तुमने मुझे दिहाड़ी पे सौ मजदूर रख लिए अब तुम कह रहे हो कि नहीं मजदूर जल्दी भी काम करे तो बोलता वही तो मैं चाह रहा हूँ सर तो आप एक काम कर लो ट्रांजेक्शन बेस्ड प्राइसिंग पे आ जाओ ना सर नहीं आएंगे वो और जिस बीपीओ में नहीं आएंगे वहां खतरा बढ़ जाएगा करेक्ट अब कोई बीपीओ नहीं बचा हुआ है बहुत कम बीपीओ हैं, वही 1947 मॉडल वाले दो चार बचे हुए हैं जहां भी बीएफटी बेस टी है तुम कह रहे हो कि मैं इंश्योरेंस का चीता हूं तो भैया अपने अपने एक्सपर्टीज का फायदा उठाओ ना आउटकम बेस्ड प्राइसिंग कल तक तुम भारत सरकार के लिए सड़क बनाते थे भारत सरकार ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है आईआरसी की आईआरसी वेब, की वेबसाइट बन रही थी जनाब ने बोला मैं आठ करोड़ लूंगा उन्होंने कहा बारह करोड़ लूंगा एक टीसीएस आया मतलब मैं फ्री में बनाऊंगा मुझे हर टिकट पे आठ रुपए चाहिए बनाना कितना में फ्री पैसे कब लूंगा? आउटकम पे करेक्ट अब तो धीरे धीरे करके मेरे जैसे कंसल्टेंट का प्रॉब्लम समझो मैं आज Uh, कल मेरे पास एक कस्टमर आया बोला सप्लायर का ऑडिट है uh, जो वो काम करवाना चाहता है वो कम से कम दस लाख रुपए लगेंगे एक छोटी कंपनी का मालिक से दस लाख रुपए ले लोगे तुम तो, बहुत मुश्किल है उसको मनाना बहुत मुश्किल है सो so, अब मेरा मेरा पर्सनल कंसर्न है ये मुझे अपने कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है मैं कंसल्टिंग करता हूँ बहुत मेहनत लगती है

मैं क्या बोल रहा हूँ उनको कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ तो 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 मुझे, तो मुझे क्या हो रहा है मैं हर कॉन्ट्रैक्ट पांच पांच लाख आठ लाख दस लाख का कर रहा हूँ मेरे जेब में भी पैसे नहीं आ रहे अगर तुम सोचो कि ये छे करोड़ का पचास करोड़ कर दिया तो मोटा मोटा फोर्टी करोड़ का दस परसेंट मिला तो चार करोड़ रुपए मेरी भी गर्दन फंसी, तो मैं भी मेहनत करूंगा आउटकम लाने में। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको भी फायदा है नहीं तो क्या होगा यहाँ यहाँ से यहाँ की जर्नी में आप मुझे दो तीन बार दस दस पंद्रह पंद्रह लाख रुपए दोगे जिसमें मेरा कोई आउटकम नहीं है मैं तुमको प्रोसेस डिजाइन करके दे दूंगा बीच में बीच में कभी एक छोटा सा सिक्स प्रोजेक्ट कर दूंगा मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा अभी एक कंपनी में फाइव करना है मैंने उनको बोला कि बारह लाख रुपए लगेंगे मना कर दिया उसको वैल्यू नहीं दिख रहा है बारह लाख का व्हाट इज ई गेटिंग इंस्टेड है तो आपको सोचना पड़ेगा आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा और हैंडलिंग टाइम जैसे प्रोजेक्ट में तो पक्का सोचना पड़ेगा कि अगर आप -based billing है, मैं सौ लोगों का धंधा चला रहा हूं मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम्हारा हैंडलिंग टाइम मैंने मैं कॉन्ट्रैक्टर था मैंने तुमको सौ लोग दे दिए उनसे काम कैसे कराओगे तुम्हारा है, है, ये करवा दो इसमें हैंडलिंग टाइम इंप्रूव करना बहुत अच्छा बात आज हम जितने कॉल्स ले रहे हैं उससे ज्यादा कॉल्स लेने लगेंगे एवरी वन yes, करना ही पड़ेगा एंड आई एम आस्किंग फॉर अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू मैं तुमको बोलूंगी यार तू ना एमबीबी पढ़ ले पचास हजार रुपया दे दे मुश्किल नहीं लग रहा पचास हजार लेना किसी से मैं उल्टा बोलूं तेरी जो भी सैलरी है उसका चार गुना करवा दूंगा अगर कर दिया तो मुझे दो महीने की सैलरी दे दे उस रास्ते में जो सर्टिफिकेट लगेगा वो मेरा खर्चा कौन सा ज्यादा कस्टमर मिलना क्योंकि है। सामने वाले को तो लग रहा, रहा है, सेल्स वाला है सेल्स वाला तो बोलता है कि एमबीबी बहुत अच्छा होगा उसको लग रहा है फायदा क्या मेरा अगर मैं फायदे से लिंक कर दूं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे जैसे आदमी को ट्रेनिंग में घुसना मतलब वेस्ट ऑफ़ टाइम कस्टमर तो आता है, बोलता है वन ऑन वन भी पढ़ा दो पचास घंटे पढ़ाओगे तीस हजार चालीस हजार मिलेंगे हजार मतलब उससे बढ़िया तो राजमिस्त्री बन जाता है राजमिस्त्री भी पंद्रह सौ रुपया घंटा लेता है समन so विदर्टी चल भाई सोच के देखो जरा प्रैक्टिकली हाउ डू पीपल पीपल लाइक हमारे पास और क्या स्किल ही है ना जो बेच सकते हैं तो स्किल घंटा पे ये नहीं चलेगा हैंडलिंग टाइम के प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए तो तुम क्या करोगे तुमने पहले दिहाड़ी पे काम ले लिया अब उन बच्चों की जान लोगे सो इफ आई एम आज मेरे पास दस मिनट पर कॉल का हैंडलिंग टाइम है मैं इसको आधा कर देता हूं वॉट विल हैपन है भाई? Are you guys with me? जो मैं सौ लोगों का पैसा कमा रहा था तुम बहुत बुद्धि लगा क्या तुम क्या कर दिए मेरा ही पैसा कटा दिए आई एम स्ट्रगलिंग एज एन ऑर्गेसन की मैं कैसे एक मिलियन का बनू तुम सुतरे ही जड़ काटे हुए हो मेरी तनखा लेते हो मेरा ही जड़ काटे हुए

अगले साल तुम पैसे नहीं मांगोगे कंपनी से ये तो कह रहा है कि बेनिफिट दे दो तो, बेनिफिट का तो, मतलब पैसा लौटा दो भाई? नहीं सर हम्म आई एग्री अप टू सम एक्सटेंट जब हम डब्ल्यूएनएस के लिए बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गया था तो हम एग्रीमेंट के अंदर ईयरली बेसिस पे एक परसेंटेज का कुछ बेनिफिट देना पड़ता है वेदर इट्स अ क्वालिटी और यू नो सम सॉर्ट ऑफ एचडी वो सेड है कि यू गेटिंग एक्सपर्टीज इन दैट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर सो यू शुड गिव अस सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट

से आठ परसेंट इंप्रूवमेंट देगा नहीं देगा तो हम आपकी रेवेन्यू में से काट लेंगे बट कॉस्ट रिडक्शन कंट्री तुम्हारा इन्फ्लेशन दस परसेंट होता है जो आज तुमको इंपैक्ट हो रहा है वो रफली रफली अठारह परसेंट इन्फ्लेशन है जिस में। सरकारी आकर कुछ भी बोले महंगाई के देश की जो अवस्था है अट्ठारह है तुम्हारा महंगाई दर

करेक्ट हम कस्टमर को खुश करने के चक्कर में कितना अपने आप को सबोटाज करेंगे धंधा तो तभी चलेगा ना जब म्यूचुअली बेनिफिशियल हो तुम्हारा भी कुछ फायदा हो आई आई एम विलिंग टू गिव यू दिस व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न जनरल इलेक्ट्रिक कहता है कि आप मुझे आठ परसेंट दोगे ना तो मैं आपको उसके उतने अमाउंट का नया बिजनेस दे दूंगा

पे कॉल ले रहे हैं तो के तो में क्या होता है प्लस क्लाइंट दोनों ही कुछ करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट कर लो कि की जो ए बहुत ऊपर जा रही है लॉन्ग के पास आ जाए तो क्या एटलीस्ट तो उसमें क्या होता है कम नहीं होंगी और आपका बाकी you are contractually bound like in this project example we are saying 8 minutes you are contractually bound to keep the handling time at 8 minutes tab to koi choice hi nahi hai aapke paas job desk ki baat bhi hota hai agar ye contracted hai tab to koi option nahi hai tab to koi option nahi hai ki aapne कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर ही कर दिया था कि हम आठ मिनट का एएसटी देंगे अगर नहीं दिया है तो प्रोजेक्ट मत करना और अगर है ऐसा कि आठ मिनट का कॉन्ट्रैक्टेड है या आप ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल पे हो तो ट्रांजैक्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में तो बेनिफिट तो बहुत सिंपल है सो आई एम करंटली ऑपरेटिंग एट अ टेन मिनट एटी सेवन का एवरेज दिस इज माय मीन आई एम लुकिंग एट रिड्यूसिंग इट टू एट मिनट्स और लेस सो आई कैन कैलकुलेट the additional number of calls everyone ye maths ye maths simple hai everyone Yes. ji yeah to so, agar aapko per call per transaction ka paisa malum hai नहीं भी मालूम है तो सिर्फ इसका differential as a percentage, आप हाँ बोल सकते हो कि इतना इतना percentage additional revenue आएगा बेनिफिट yes. का कैलकुलेशन आपको आपके प्रोजेक्ट में दिखाना पड़ेगा What is my current average? पॉइंट Ten point eight four. This is my current mean. This is my targeted mean, which means. <laughs> 26% सिक्स परसेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है इतना था 26. पॉइंट समथिंग था क्या वो Schauen अगर 1.3 मिलियन डॉलर का अकाउंट है तो 1.3 26 कास्ट 26% हां बिल्कुल बिल्कुल वो सब तो वो सब तो आपको तो 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 करना ही पड़ेगा एवरीवन विथ मी सो फार सर yes. यहाँ पे एक क्वेश्चन था सर एक डाउट क्लियर करना hmm. था

अगर उ, उस टारगेट नॉट मीट की वजह से अगर आपको पेनल्टी लग रहा है तो आप पेनल्टी को इम्प्रूवमेंट दिखा सकते पेनल्टी रिडक्शन दिखा सकते हैं नहीं okay. तो सीधा सीधा बोलिए कि रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा समझ okay. अगर हम कॉन्स्टेंटली टारगेट नहीं मीट करेंगे mm -hmm. तो हमारा धंधा ही खत्म हो जाएगा दैट दैट कुड बी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई वुड यूज ओके गॉट इट गॉट इट द अनदर लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन

मतलब रैशनल hmm. नहीं दिख रहा है बहुत दूर लग रहा है इट इट सीम्स वेरी वेरी अनअचीवेबल टाइप्स लिखना तो, तो पड़ेगा कोई भी कोई भी पर्सेंट है नहीं जो एनीवेयर क्लोज hmm. है उससे हम्म hmm. सब दूर आइडली आइडली मैं कैसे करना चाहता हूं लेट मी शो यू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट अरे सेव कर एक मिनट जस्ट वन सेकंड प्लीज यस अब ये मेरे पास अट्रिशन का डेटा है इफ यू सी हियर स्क्रीन क्लियर विजिबल है 512, 320, 410। तो मैं इस प्रोजेक्ट का गोल स्टेटमेंट मैं मीन को 525 से खिसका के फर्स्ट क्वार्टाइल में लाना चाहता हूँ

मैं हमेशा एडवाइस करूंगा गोल स्टेटमेंट लिखने में कॉन्फिडेंस इंटरवल मेंशन कर दो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 10.84 से लेके 10.88 तक आ रहा है एवरीवन

अपनी अपने रोल की वजह से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो वैसे इन स्कोप, स्कोप डिफाइन कर लीजिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा एक बार में डोंट एंड फिक्स द वर्ल्ड मुझे ऐसा ही लगता है पर्सनली सो so, मैं मैव नॉट डन एनी एनी फर्दर रिसर्च ऑन एम सिंपली मेंशनिंग नोएडा वाले ऑफिस के लिए करूंगा बाकी सारे ऑफिस स्कोप है जैसे एक डाटा हमारे पास था जिसके अंदर भी थी उन बारह लोकेशन में से ग्यारह लोकेशन पे एचडी 2.5 टू पॉइंट फाइव से नीचे था और एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे थ्री था दूसरे डाटा पे जो हम काम कर रहे थे तो क्या हम उसमें नहीं नहीं ये कर सकते हैं ना कि उस लोकेशन के है ले, ले। okay. और वो राइट तरीका भी होगा आसान भी होगा और फिर वहां जो आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाए हैं वही कॉपी पेस्ट कर दो पूरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज हम स्टार्टिंग जब हमने किसी प्रोजेक्ट की कुछ और लेके चल रहे ले थे बट जब डाटा की माइनिंग की एनालिसिस किया तो हमको लगा कि एक स्पेसिफिक लोकेशन की, की वजह से ही एच टी बढ़ा हुआ सारा करेक्ट सो अगर मैं अगर मुझे टीम आइडेंटिफाई करनी है हैंडलिंग टाइम जैसा प्रोजेक्ट है कौन कौन से लोग शुमार होने चाहिए एक तो कोई क्लाइंट का पी नहीं एक मेरा कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन टाइप का कोई लीडर आई हैव सम मैनेजर सीनियर मैनेजर मे बी सम एम ऑफ्स क्वालिटी एम आई एस वाले का दो बच्चे, मे बी ऑपरेशन के कोई एस एम ईस ये जो मेरा क्वेश्चन था ये टीम बट मेरा फिर भी हमेशा एडवाइस है कि कभी भी प्रोजेक्ट करिए तो यूज़ अ शीट लाइक दिस टू शोकेस योर टीम फोटो फोटो लगाने से ना लोगों को बड़ा सेंस ऑफ एसोसिएशन लगता है मुझे प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिफाइन करना है टाइमलाइन डिफाइन करने के लिए मैं तो गैंट चार्ट बनाऊंगा कि हमारे पास पांच फेजेस हैं डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल डिफाइन फेज में हमारे पास Five activities and huh? मेजर में हमारे पास पांच एक्टिविटी Identify problem or the improvement opportunity. Ideally, this has come to me already. So, मैं pre-project है करके इसको मुझे प्रोजेक्ट मिल गया आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर आई डोंट थिंक is अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग टास्क गैदर करना है इन स्टेक होल्डर्स से वॉइस तो ये इस एक्टिविटी के बाद ही होगा

करके डेट लिखने के तो अपनी छुट्टी छुट्टी माफ कर लो सैटर्डे संडे नॉन वर्किंग होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन तो माफ कर लो कि यह छुट्टी का दिन है सो so दैट you have realistic understanding of how much time it will take for you to do this project. Everyone with me? Yes. Yeah. Yeah. I will even go to the extent that I will write I will make WBS of this will I will populate this information here. अब मुझे RMI या RASIC बनाना है और बहुत सिंपल है यही वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं करेक्ट एवरीवन लेके चलो किसी और पेज पे I already have decided on my team. Identify problem or the improvement opportunity, I am saying but isab ki responsibility. Identify stakeholders, man. यहां एक ब्लैक बेल्ट भी इंसर्ट कर देता हूं आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स आई एम सिंग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज कंसल्ट द सीनियर मैनेजर कंसल्ट असिस्टेंट मैनेजर बाकी सब गरीबों को इन्फॉर्म कर दो गैदर देयर वॉइस Convert to CTQ, create project charter. पीपल आर वी गुड एस सपोर्ट होता है आप देखिए ब्लैक बेल्ट का ही काम है बनाएगा वो नाम होगा सीनियर मैनेजर साहब का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कराना है तो सिक्स सिग्मा वालों को काम सारा करना है और नाम बड़े साहब का होना है बड़े साहब का नाम होगा तो प्रोजेक्ट पास हो जाएगा आप उनके अगर अगर उनका, अगर उनका नाम आपका होगा तो प्रोजेक्ट कभी पास नहीं होगा वो रोज कोई ना कोई उसमें कमी निकालते रहेंगे ये कर क्या ये किया नहीं तूने सबसे अच्छा इसका उपाय है साहब के ही गले में माला पहना दो झंझट झंझट मतलब और पिटाई भी पक्का तुम्हारी होगी हाँ कल मैं पहाड़पुर थ्री पी गया था बड़े साहब एमडी साहब बैठे हुए थे एचआर हेड बैठे हुए थे कौन करेगा प्रोजेक्ट हम तो बोले सर आप प्रणय मुझे अब कुछ याद नहीं हमले हम मैं हूं ना सर आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं तो मतलब तुम मेरा एक्सटेंशन हमले बिल्कुल सर और अगर सीएमडी बुलाएगा तुमको मीटिंग में नहीं कैसे आओगे भे? अब मैं बुलाऊ तो तुम सीना मैनेजर क्वालिटी हो तुमको तुमको पुराने से क्या लेना देना मेरी मीटिंग में मेरे कॉल ना उठाओगे बड़े साहब तुमको मालूम है कि ये वाला जो मेल आने वाला है वो बड़े साहब देख रहे हैं सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको मैंने प्रॉपरली रिकॉर्डेड कॉल है उनको मैंने प्रॉपरली चने के झाड़ पे चढ़ा दिया आपको चढ़ाना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है ऑप्शन नहीं है आइडेंटिफाई सिटी क्यू कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड डेटा कलेक्शन प्लान गैदर डेटा conduct msa. people, are we good? yes, sir. Anyone, any questions so far? Uh, Sablo, clear Yatak? Yes, sir. Yes. Then I'm building my communication plan.

कैसे इन्फॉर्म करोगे बोले ईमेल भेजूंगा कौन करेगा ब्लैक बेल्ट करेगा कब करेगा एवरी वन आर टूगेदर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गया तो

पीपल और आर बी गुड दो फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा एक SIPOC, on a very high level. अब इन सारे स्टेप्स के लिए क्या इनपुट लगेगा सोच लीजिए मेरे लिए तो ऑब्वियसली देर इज सम नीड दैट द कस्टमर हैड इज द ट्रिगर ऑफ दैट कॉल कुछ तो कुछ तो जरूरत हुआ थी. या तो क्वेरी था या कंसर्न था दैट इज द रीजन बाई ही नीड है हमारा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है उसके पास एक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है फोन होना चाहिए एक्टिव लाइन होना चाहिए आई एम नॉट राइटिंग ऑल इन दैट डिटेल अवेलेबल एजेंट is also Or what kya input lagega project instructions I was up there to dpi pds right anything else uh, crn कोई सीआरएम होगा जिसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा होगा ए को इक्व करने के लिए कुछ करना हो रहा होगा अब ये सारी चीजें का सप्लायर कौन है नीड तो ऑब्वियसली कस्टमर का ही नीड है उसी से उसने कॉल किया है जो हर हर इनपुट के लिए सप्लाय ढूंढ लीजिए अपने प्रोजेक्ट में चेप दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत डिटेल्ड फ्लो चार्ट सुपर डिटेल्ड वाला स्विम लेन बनाइए बहुत डिटेल्ड वाला और जो स्टेप में आपको भसड़ लग रही है उस उसको हाईलाइट कर दीजिए अपने फ्लो चार्ट में से दैट यहाँ पॉसिबल रीजन पॉसिबल एरिया है जहां भसड़ एवरीवन विथ मी हां सर कहाँ बनाना है वो स्विम uh, लेन किस सेक्शन के अंदर इसमें बेटा नंबर uh, ट्वेल्व में स्लाइड नंबर ट्वेल्व में डन डन i am sending you both the presentation and the uh, excel sheet please take 15 minutes go through everything ask me questions if you have some if you don't have we move to measure Okay, everyone okay okay may i file be

Please look at uh please look at this